हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम सादा सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना, जिसके लिए हमारे पास ये 2 मीटर कॉटन का कपड़ा है। सबसे पहले फ्रेंड्स कपड़े को खोलेंगे, खोलने के बाद इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा देंगे, यानी इसकी 4 तय कर देंगे ऐसे, और इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे हम। अब ये कपड़ा हमने अच्छे से बराबर कर लिया है। अब उसके बाद हम यहां से अपना बेल्ट रखेंगे। अगर कपड़ा ऊपर से आड़ा टेढ़ा है तो बराबर कर लीजिए, ये एकदम सही है। अब हम 2.5 इंच बेल्ट का लेंगे, यानी इसमें अलग से बेल्ट नहीं लगेगी, ये हमारा जो कपड़ा है वो इतना ही रहेगा। इसी को हम मोड़ के बेल्ट बनाएंगे, यानी नेफा बनाएंगे जिसमें हम नाड़ा इलास्टिक डालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसे लेने के बाद अपनी लंबाई लेंगे, इससे नीचे लंबाई लेनी है। जैसे 40 की सलवार हमारी तैयार है तो हम 41 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहां से आप मोहरी देख लीजिए, जैसे 6 इंच की मोहरी हमारी तैयार है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के 8 इंच पे यहाँ एक सीधा निशान बना लेंगे। अब हम यहाँ से अपनी चौड़ाई रखेंगे जितनी है इसकी, तो हम यहाँ से 19 इंच रखेंगे, जितनी मतलब पूरी आ रही है। अब उससे नीचे हम अपनी बेल्ट आसन रखेंगे, तो आसन की जो लेंथ है वो रखेंगे हम यहाँ से 16 इंच पे, 15 का आसन तैयार रहेगा। यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देंगे। अब इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, ये देखिए, और जो हमने मोहरी का निशान लगाया है ये हमने खुली वाली साइड को लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जैसे ड्राफ्टिंग की है ऐसे ही कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स मेरे 2 चैनल है, एक ई स्टिचिंग नाम से है और एक कविता टॉक नाम से है, जिसपे मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। आप मेरा कविता टॉक चैनल भी देख सकती हैं, और स्टिचिंग पे मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जाती हैं, आप उनको भी देख के घर बैठे ही सीख सकती हैं। अब इसको बिल्कुल जैसे ड्राफ्टिंग कर रखी है ऐसे ही सीधा कट कर देंगे, तो ये सलवार हमारी बहुत ही आसान तरीके से कट जाती है। अब इसको यहां से ओपन करके ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको, तो ये इसका घेरा हो जाएगा और ये हम इसको ओपन कर लेंगे। इसकी सिलाई भी बहुत ही आसान है, ये जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो इन्हीं सलवारों को पहनती हैं, और ये बहुत ही कंफर्टेबल सलवार है। आप घर के लिए बना रहे हो तो आप घर के लिए इस सलवार को जरूर बनाएं, क्योंकि ये घर में हमारे काम करने में हर चीज में बहुत ही कंफर्टेबल है। अब इसकी जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम मोहरी के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। बस हमें मोहरी के लिए इसमें से कपड़ा चाहिए, बाकी का कपड़ा हमारा हमें नहीं चाहिए। आप चाहें तो जो बचा हुआ कपड़ा है इसकी कली बना के और थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इसका आसन सिलेंगे, तो पहले दोनों आसनों को हम सिलाई कर लेंगे। एक हम नाड़ा या इलास्टिक के लिए जगह बना के, उसमें हम इलास्टिक भी डाल सकते हैं नाड़ा भी, तो दूसरे एक साइड से सिल लिया है। अब दूसरी साइड से हम यहाँ पर नेफा बनाएंगे, तो यहाँ से हम पहले इसको 1 इंच तक सिलेंगे, फुट को उठाएंगे और 1 इंच उठा के और यहाँ से थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे। तो अब यहाँ से हम पूरा आसन सिलाई कर देंगे। अब जो हमने यहाँ से पार्ट खुला छोड़ा था उसको यहाँ से तरीके से मोड़ के लगभग 2.5 से 2 इंच तक और घुमा के पूरा अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे, अपनी तरफ को ले आएंगे। अब इसको हम मोड़ देंगे, जितना हमने 2.5 इंच लिया था उतना मोड़ने के बाद ये हमारा बन जाएगा। इसमें इलास्टिक नाड़ कुछ भी आप अपनी पसंद से डाल सकती हैं। तो बस इसको चारों तरफ से हम सिलाई कर देंगे, ये देखिए बराबर बराबर नाप के हम सिलाई करेंगे। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए हम अपना मोहरी वाला पार्ट रख लेंगे। कपड़ा लिया है, कपड़े की चौड़ाई 3.5 इंच ली है। अब सीधी साइड को इसको उल्टा करके रखेंगे, मतलब सलवार की सीधी साइड होनी चाहिए, कपड़े को उल्टा करके रख के एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब हम ये पेपर फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेंगे, और ये मोहरी के लिए मिलता है, ये इससे काफ़ी अच्छी मोहरी बनती है। अब बस इसको रख के और यहाँ पे सिलाई कर देंगे, ये देखिए ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े को इसके ऊपर मोड़ के सिलाई करके अब इसको रॉन्ग साइड को पलट देंगे और इस पर सिलाइयाँ लगा देंगे। आपको जितनी भी चौड़ी मोहरी चाहिए उस हिसाब से ये फॉर्म हर साइज़ में मिलते हैं। तो एक सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड भी हम सेम सिलाई लगा देंगे, और इसमें अपनी पसंद से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है
उस हिसाब से इसमें कोई भी डिज़ाइन आप बना सकती हैं। अब मैं इसमें पहले सीधी सीधी लाइन बनाऊंगी, फिर इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैं इसमें जिगजैग वाला डिज़ाइन दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से फुट को बस ऐसे जिगजैग में करते हुए जाना है। इससे आपकी मोहरी का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। अब एक सिलाई और लगाएंगे, फिर दूसरी बार हम जिगजैग वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऐसे ही हम अपनी दोनों मोहरी को कम्प्लीट कर लेंगे और फिर इसकी हम फिटिंग कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी जो मोहरी यहाँ तक बन गई है। अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग हमें 6.5 इंच तक करनी है और इसको ऐसे तिरछा करके सिलाई कर देना है आसन तक। फिर इसी को रख के हम दूसरी मोहरी को नाप के बनाएंगे। तो ये देखिए, हम आसन तक आ गए हैं। अब दूसरी मोहरी को बना लेंगे। तो यहीं से धागे को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका। अब दूसरी मोहरी के लिए सेम कपड़ा रख के सिलाई करेंगे, फॉर्म रख के इसको भी सिलाई करके रॉन्ग साइड को पलट के इस पर डिज़ाइन बना लेंगे। अब अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन बना के अब बस इसकी फिटिंग कर देंगे 6.5 इंच तक, और इसको आसन तक लगा के डबल सिलाई कर देंगे यहाँ पे। तो हमारी जो सलवार है वो बनके लगभग तैयार है। फ्रेंड्स, हमारी ये सिंपल सलवार बनके तैयार है। इसकी मोहरी वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से आई हैं और मैंने इसमें नाड़ा भी डाल दिया है। देखिए इस तरीके से, आप यहाँ पे इलास्टिक भी डाल सकती है अगर आप नाड़ा नहीं डाल सकती तो आप इसे घर के लिए भी बना सकती है। ये इसकी मैचिंग कुर्ती है, ये देखिए, ये इसकी कुर्ती है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी सलवार की कटिंग और सिलाई बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।